नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 10 ताजा खबरें। औरैया में खाई में पलटी बस ड्राइवर की मौत। औरैया के बेला थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह सवारियों से भरी बस बिजली की पोल से टकराने के बाद खाई में पलट गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 20 यात्री घायल हो गए। बस किसनी मेनपुरी में सवारी लेकर बेला जा रही थी। हादसे के बाद रास्ते में गुजर रहे राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों से मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किए। 4 यात्रियों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। डीलर ने अपनी सेक्रेटरी से किया रेप। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में एक युवती से रेप कर उसके अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। पीड़िता ने डीलर के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है कि युवती डीलर के ऑफिस में नौकरी करती, जहां मौके पाकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया और युवती के अश्लील वीडियो बना ली। घटना मझोला थाना क्षेत्र के पार्श्वनाथ प्लाजा की है। प्रभारी इंस्पेक्टर हरिशंकर ने बताया कि पार्श्वनाथ प्लाजा में ग्लोबल एसोसिएट्स के नाम से ऑफिस चलाने वाले डीलर पर युवती ने रेप का आरोप लगाया था। सुल्तानपुर में युवक की गला दबाकर हत्या। सुल्तानपुर के मोती नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात खेत में धान लेने गए एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। युवक जब काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन खेत पहुंच गए। यहाँ युवक मृत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। बाइक बोर्ड घोटाले के 3 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। देश भर में चर्चित बाइक बोर्ड घोटाले के मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को जयपुर में मुहाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया। करीब 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा ठगी के इस केस में देश के अलग अलग राज्यों में करीब 300 से ज़्यादा केस दर्ज। जयपुर पुलिस को गिरफ्तार में इन शातिर ठगों के खिलाफ बाइक बोर्ड घोटाले की जांच ईडी एसआईटी सीबीआई एजेंसियों कर रही है। उनका प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र में गांव नगला भदौरिया में एक युवक का शव पेड़ पर लटकता मिला। युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिजन पुलिस को सूचना दिए बिना भी शव का अंतिम संस्कार करने लगे। इसी बीच युवक की पत्नी ने अपने मायके फोन कर सारी जानकारी दी। उन लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। 21 साल बाद मिला दलितों को न्याय। झांसी में मारपीट में एक मामला में दलितों को 21 साल बाद न्याय मिला है। 2000 में बकरी चराते वक्त दलित युवक व 4 महिलाओं से मारपीट के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 5-5 साल का कारावास की सजा सुनाई। दोनों ने 11,500 का जुर्माना लगाया गया। नहीं देने पर 6 माह को जेल अतिरिक्त काट। यह फैसला SC ST एक्ट विशेष न्यायाधीश हिंदू द्विवेदी ने सुनाया है। फतेहपुर में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। फतेहपुर के खागा कोतावली क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि बीते शुक्रवार को पड़ोस में रहने वाला किशोर बच्ची का बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। गंभीर हालत में परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गिरफ्तार कर लिया। थाने में 7 फेरे प्रेमी शादी से मुकरा तो प्रेमिका पहुंची औरैया पुलिस स्टेशन। औरैया में एक रोचक मामला सामने आया। यहां थाने में प्रेमी प्रेमिका की शादी कराई गई। हुआ कुछ यूं ही कि 4 साल में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। एयरफोर्स में नौकरी मिलने के बाद प्रेमी शादी से मुकर गया, साथ ही दूसरी लड़की से शादी भी तय कर ली। प्रेमिका को भनक लगी तो उसने प्रेमी को बहाने से मिलने के लिए बुलाया। प्रेमिका के 1 घंटे तक समझाने पर प्रेमी नहीं माना तो उसने पुलिस बुला ली। पुलिस दोनों के थाने में ले गई। पुलिस ने समझाने पर प्रेमी शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों की राजामंदी और परिवार वालों की सहमति के बाद उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की। भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा खतरे में। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरियंट मिला। दक्षिण अफ्रीका, हांगकॉन्ग और बोत्सवाना में इसके 50 कंफर्म केस मिले। भारत में अब तक इसे नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला। इसके सबके बीच अगले महीने भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीकी दौरा शुरू हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रिकॉर्डिंग। बिग बॉस विनर और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को गए 2 महीने हो गए। उनके जाने के बाद यह खबर सामने आई कि एक रैपर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मौत से महीनों पहले एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया था। इस गाने को उनका परिवार उनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी 12 दिसंबर को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा था। ये थी अब तक की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।